हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी लोग स्पेशली सीसीए कैंडिडेट्स जिन्होंने भी हाल ही में ग्रुप डी एग्ज़ाम दिया है, वो लोग हाई कोर्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ज़रूर चाह रहे होंगे। एंड उनके लिए कुछ अपडेट ये है कि अभी जो हमारे लॉयर हैं उनसे बातचीत हुई इसके रिगार्डिंग, एंड वो रेलवे बोर्ड गए थे, वहाँ पर उन्होंने बात करी है जो चेयरमैन के पीए हैं। तो जो बात निकल कर आई है क्लियरली वो ये है कि रेलवे ने हमारे ऑर्डर से रिलेटेड कोई रिप्लाई प्रिपेयर नहीं किया। देन अभी जो लॉयर जो बोल रहे हैं कि कंटेम्प्ट का प्रोसेस शुरू करते हैं, तो वही सही चीज़ है। तो अब कंटेम्प्ट का मतलब ये होता है कि कोर्ट की तरफ से रेलवे को फटकार भी पड़ेगी। कंटेम्प्ट का यही मतलब होता है। और उनसे बिल्कुल लीगली ये पूछा जाएगा कि उन्होंने कोर्ट को कैसे नकारा, उन्होंने रिप्लाई देना उचित क्यों नहीं समझा। तो अब कंटेम्प्ट का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। अब ये तय है क्योंकि प्यार वाली भाषा का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जब रिप्लाई देना ही उचित नहीं समझा तो आप समझ सकते हैं कि रेलवे को कोई लेना देना नहीं है नए अप्रेंटिस या जो भी पेटिशनर्स ने या जो भी नए बच्चे, यानी कि नए बच्चे की अगर मैं बात करूं तो 109 भी आता है उसमें, 10 भी आता है, 111, 112 बैच सबके लिए ट्राई कर रहे थे कि सब कोटा दिया जाए और उनको रेलवे में की नौकरी में उनको लाभ मिले। अच्छा, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, जो नए लोग अगर मुझसे कोई जुड़ रहा है तो मैं बता देना चाहता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ अप्रेंटिस, रेलवे अप्रेंटिस वालों के लिए जिनको 2019 रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी में कोटा नहीं मिल पाया था, क्योंकि कट ऑफ डेट यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की डेट तक उनका अप्रेंटिस कंप्लीट नहीं हुआ था, उनका सर्टिफिकेट नहीं आया था, तो वो लोग भी इसमें शामिल हैं। उन सभी को 1/3 का कोटे का लाभ कैसे मिले रेलवे की जॉब में, उसके लिए हम लोग लगे हुए थे, कोर्ट केस किया, कोर्ट केस कैट में किया, हाई कोर्ट में किया, देन सुप्रीम कोर्ट, एंड अभी हम हाई कोर्ट के एक ऑर्डर पर आगे बढ़ रहे हैं जिसके बेस पर हमें पूरी तरह से, अगर मैं बोलूँ तो हम लोगों के कंट्रोल में है ये चीज़ अभी भी, पूरी तरह से केस में हम लोग हावी हैं हाई कोर्ट केस के आधार पर। और उसमें उस हाई कोर्ट का ऑर्डर था क्या, उसमें ऑर्डर ये था कि अगर रेलवे चाहे तो 28 डेज़ के अंदर बच्चों को मॉडिफिकेशन लिंक दे सकती है नियमों के तहत, नहीं तो फ्रेश एग्ज़ाम करवा सकती है सिर्फ अप्रेंटिस वालों के लिए। फ्रेश एग्ज़ाम का मतलब यहाँ पर नई वैकेंसी से नहीं, फ्रेश एग्ज़ाम का मतलब ये है कि रेलवे अप्रेंटिस वाले जो बच्चे हैं उनके लिए फ्रेश वैकेंसी निकाले, सिर्फ उनके लिए। यानी कि अगर 5,000 सीटें खाली रह जाती तो 5,000 अप्रेंटिस वालों को फिर से मौका मिल जाएगा और सिर्फ उन्हीं के लिए एग्ज़ाम होगा और उनका ही रिजल्ट आएगा, उनका सिलेक्शन होगा। इसका किसी न्यू रेलवे वैकेंसी से कोई लेना देना नहीं। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने इसलिए ऐड की कि अगर कोई नया बच्चा इसमें जुड़ता है मेरे साथ तो उसे समझ में आए कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। तो अभी आते हैं वापस से हाई कोर्ट केस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या अपडेट क्या है। तो अपडेट इसमें यही है कि रेलवे पर अब कंटेम्प्ट करने की तैयारी है और कंटेम्प्ट लगाया जाएगा और उसके बाद मजबूर होकर देना, रेलवे को जवाब देना ही पड़ेगा और जवाब के साथ उसे क्लियरली चीज़ें बतानी पड़ेंगी कि अब वैकेंसी, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है वैकेंसीज खाली होने वाली हैं, तो उसका किस तरह से इससे बच्चों को लाभ दिया जाए और किस तरह से सभी बच्चों को इसका लाभ मिले, उसके लिए हम लोग का प्रयास जारी है। और अब कंटेम्प्ट जब लगाया जाएगा तो रेलवे बोर्ड की तरफ से रिप्लाई आना तय है, क्योंकि एक बार कंटेम्प्ट लग गया तो इसमें फटकार भी मिलेगी रेलवे को, इसमें अब प्यार की भाषा नहीं बोली जाएगी हाई कोर्ट की तरफ से। तो बस यही अपडेट है कि अब कंटेम्प्ट लगाने की तैयारी है और इसमें भी अगर कोई फाइल नंबर या कुछ होता तो आपके सामने बहुत जल्दी वो रख देंगे ताकि आप लोग उसको, अगर कुछ आपके सामने फैक्ट रहना ज़रूरी है तो देखते हैं आगे क्या होता है। और कंटेंट तो लगेगा क्योंकि
क्योंकि अब प्यार से बात करने वाली बात रह नहीं गई है, कुछ वो लोग कुछ इसको कुछ ज़्यादा तवज्जो दे नहीं रहे, रेलवे और रेलवे बोर्ड और रेलवे मिनिस्ट्री। सो अभी भी रिज़ल्ट में थोड़ा वेट है, एंड आई आई होप कि आप सब लोग जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, HCCA वाले कैंडिडेट जिनको इसका लाभ मिल रहा है पहले से, उन सब का सिलेक्शन हो जाए अच्छे से। आप लोग अपने अपने जॉब के लिए बिल्कुल ही यू नो कि बहुत ही ज़्यादा होपफुल रहिए कि आपकी जॉब लग जाएगी। एंड कुछ कमेंट्स थे, जैसे बच्चों ने ये पूछा कि इतने मेरे मार्क्स हैं और इसमें सिलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो मैं उसमें ये बता दूं कि अगर आपके कट ऑफ कंप्लीट है 1/3 नंबर्स ऐड करके, यानी कि SC ST एंड OBC में 30 और अगर आप जनरल में तो 40, तो आप सबका सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि सीट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं 24 के लिए। जितने अप्लाई जितने लोगों ने किया है उससे ज़्यादा ही सीट्स हैं। कई कई जगह ऐसा हो सकता है कि जैसे 1800 सीट्स है तो वहाँ 2000 लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो उसमें बहुत सारे बच्चों का हो ही नहीं पा रहा है कट ऑफ तक। तो जिसने भी अप्लाई किया है और कट ऑफ तक पहुंच जा रहा है, 30 और 40, 1/3 प्लस CVT जोड़ के 30 और 40 जिसके मार्क्स आ जा रहे हैं, वो लोगों का सिलेक्शन पक्का है। तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बस आप थोड़ा सा वेट और करिए और आपकी जॉब पक्की है। और जिनको नहीं मिल पा रहा CCA का लाभ, जिनको 1/3 का लाभ नहीं मिल पा रहा, उन सब के लिए ये केस और ये हाई कोर्ट का ऑर्डर ये मैटर करता है। तो वो सब इस पे लगे हुए हैं कि इस पे कुछ अच्छा अपडेट है। तो बिल्कुल आप लोग अपनी थोड़ी सी प्रार्थनाएं भी करते रहिए और चीज़ें आपके पक्ष में आएंगी। अभी भी रिज़ल्ट नहीं आया है, रिज़ल्ट आ सकता है जल्दी, लेकिन कोर्ट के जो ऑर्डर का जो भी आएगा आगे, वो आपको पता है कि पहले भी ऑर्डर आ चुका है, वो हमारे पक्ष में है, जिसमें कि बोला गया है कि प्रेस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए और इनको लाभ दिया जाए जो भी कट ऑफ डेट के बाद अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर लिए। तो इसमें मेनली 109, 110, 111, 112 बैच सभी लोगों का इसमें आता है इसके अंदर। और बहुत सारे बच्चों का कमेंट ये आता है कि ALP टेक्नीशियन में भी इसकी मांग करी जाए 1/3 की या 20% की, तो ये वाला केस सॉल्व हो जाए, इसके बाद ALP और टेक्नीशियन की बारी है। नई वैकेंसी में पूरा हम लोगों का पूरी कोशिश रहेगी, पूरी तरह से उस पर लग जाएंगे कि कैसे ALP और टेक्नीशियन में 1/3 का लाभ मिले। दूसरी बात और बता दूं मैं, और भी आप लोगों की जॉब्स आ रही हैं लगातार, जैसे DRDO सेप्टम है या और भी है, तो आप लोग आप सब में मैक्सिमम लोगों ने फॉर्म भरा होगा, तो आप लोग प्लीज़ उस पर भी फोकस करते रहिए, पढ़ाई मत छोड़िए, पढ़ाई मत छोड़िए, पढ़ाई करते रहिए। इसमें ग्रुप डी में होगा, ये कहीं नहीं गया है, ये CCA वालों को इसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। अब मुझे पता है अभी आप लोग को बहुत सारे लोगों को हो सकता है विश्वास ना हो, लेकिन हम लोग केस जीतेंगे भी और लाभ भी मिलेगा। तो आप लोग पढ़ाई भी अपनी जारी रखिए, क्योंकि आप रिज़ल्ट के बारे में, किसी भी रिज़ल्ट के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, आप अपने प्रोसेस को कंप्लीट करिए। प्रोसेस अभी यही कहता है कि कोई भी अगर आप आगे का फॉर्म भर रहे हैं तो उसके लिए पढ़ाई करिए, पढ़ाई करते रहिए, आपका स्कोर अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा, और स्कोर बढ़ेगा तो जॉब भी पक्की। ओके, थैंक यू गाइज, एंड कोई अगर कुछ एडवाइस या कुछ कुछ कमेंट दे तो प्लीज़ मुझे बता सकता है, एंड कुछ सजेस्ट करना चाहे तो बता सकता है। एंड कुछ लोग बकवास भी करते हैं कमेंट में, तो ठीक है, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो आप लोग, ठीक है, थैंक यू।